हम आए मार्केट में, कुछ लेते हैं सामान वगैरह, इनके बच्चों के फटाके भी लेने हैं, कल भी लिए थे थोड़े, अभी और आज ले लेते हैं, फिर जो भी छोटा मोटा क्या होता है पूजा पूजा का सामान, पूजा का सामान लेंगे, फिर रात को मिठाई लेंगे, रात को दिए लेंगे, रात को दिए जलाएंगे, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, फटाके फोड़ेंगे, सब आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। खुशियों का त्योहार है, हम भी खुशियाँ मना रहे हैं, आप भी मस्त खुशियाँ मनाइए, हैप्पी दिवाली। दिवाली के हिसाब से थे लेकिन अब रास्ते में, अभी ये हिमालय को चॉकलेट सैंडविच खाना है तो इसको सैंडविच खिलेंगे। रुक जा घर में, सब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते हैं फिर चलते हैं घर। बहुत सारी तो हमारे लिए आया है चीज सैंडविच। तो भाई अब चलते हैं, पहले प्यारी सी स्वीट सी मीठी मीठी रस भरी मिठाई खरीद, कैसी लग रही है आप बताना यार कमेंट्स में। हिंदू कथाओं के अनुसार दीपावली के दिन भगवान श्री राम और सीता मैया और लक्ष्मण जी अपने घर पधारे थे, तब से समस्त हिंदू परिवार जो है उस दिन अपने घर पे दीपक जला के उनका स्वागत करते हैं। तो रात को आपको लेके चलेंगे जोधपुर की गलियों में, जो सजी हुई रहेगी बहुत सारी लाइटिंग के साथ, वो एक अलग ही नजारा होगा। बस आप व्लॉग को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। तो हम भी अब अपने घर के लिए दीपक वगैरह खरीदते हैं, लक्ष्मी जी के लिए भी एक अलग से एक दिया खरीदेंगे, और ये देखिए क्या सुंदर मालाएं लग रही है भाई, ये हाथ से बने हुए आइटम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप चाइनीज आइटमों को छोड़िए, ये देखिए ये अलग ही लग रही है लैम्प, इसके अंदर दिया लगा के आप घर के बाहर लगाएंगे क्या ही लुक आएगा। तो ये गन्ने का लिया हमने शुगर कैन, और आ चीज कही है कुछ आज बाय नंबर दे दे की जाए। हां सबसे बड़ी खुशी की बात है सबके पास ना फोन पे गूगल पे, ये ये अभी हम खरीद रहे हैं लक्ष्मी जी का पूजन, ये ले रहे हैं। तो जल्दी से पूजा का सामान वगैरह लेते हैं, जो भी शाम को पूजन के लिए जो चीजें चाहिए होगी वो सब लेते हैं। देखिए माला है, बहुत सारी चीजें हैं, ये लक्ष्मी जी के बैठने के लिए गद्दी है, और भी बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पे, सब कुछ मिलेगा आपको, जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। ये देखिए आप क्या श्रृंगार की वस्तुएं हैं, जबरदस्त। तो भाई अभी मार्केट में ये सेल वाला दीपक भी चल रहा है, पर मिट्टी वालों में जो बात है ना वो इनमें नहीं है। ये रंगोली, ये घर के गेट के बाहर जो लगाते हैं वो, ले ले एक रंगो ले ले, ये लक्ष्मी जी के मालाएं, अलग अलग सुंदर लग रहे हैं, ये लेते हैं स्वास्थ्य करके बाहर, शुभ लाभ एक शुभ लाभ। तो भाई अब हम लेते हैं फटाके बच्चों के, फटाके भी चलते नहीं। हाँ ले ले एक ले ले, प्रदूषण जय श्री राम बम तारा तुली, ये वाली लेते हैं नहीं, एक बड़ी ले लेते हैं, बड़ी बड़ी का पैकेट लेते हैं, और नहीं नहीं ये नहीं लेंगे, इससे धुआं होता है, ये माले के पॉप पॉप होते ही फोड़ता है भाई, यही लेंगे उसके पॉप पॉप, ये बेस्ट है। इसमें पहले पोटी निकलती है, ये फोटो में देखिए आप जानवी का, फिर बम फोड़ता है।
जमीन चक्री, ये जमीन चक्री होगी, ये जमीन चक्री है। ओ भाई इसका ही शॉट ये भाई, बलून हवा में ऊपर जाएगा, लाइट वाइट लगा के इसमें फिर लाइट जलती है। अरे वो कपूर होता ना नीचे, अच्छा ये होता है ना, ये जलता है। एक दे दो, ले 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 कौन सा गाइस, ये क्या काम आते हैं सिकड़ी। तो भाई मार्केट में खरीदारी करते हुए हमें हो गई शाम और अभी तक हमारी हुई नहीं खरीदारी पूरी, तो फटाफट ही लेते हैं और घर चलते हैं। क्या ही प्यारा लग रहा है अपना जोधपुर शहर सजा हुआ, देखिए आप और बताइए कैसा लग रहा है। आपको जोधपुर में इस साल दिवाली पर सबसे ज्यादा अच्छी लाइटिंग कहाँ लगी वो भी आपको मैं इसमें जरूर बताइए। तो ये देखिए भाई, ये कुछ नज़ारे हैं अपने जोधपुर के नई सड़क के, क्या ही लग रहा है यार। एक साइड में जनता स्वीट होम है और इधर है अपने ये प्रिया होटल, ये देखिए क्या सजाव लग रहा है भाई। जनता जितना अभी खूबसूरत लग रहा है उतनी स्वादिष्ट इसकी मिठाई है। तो ये देखिए छोटे बच्चे कुछ करतब दिखा रहे हैं और अभी हम पहुँच गए अपने घंटाघर जो जोधपुर का हार्ट है। क्या सुंदर लग रहा है, ये देखिए अंदर घुस रहे हैं पॉल के अंदर से और रंगीन लाइटिंग भाई साहब, ये अपना घंटाघर क्या ही सुंदर लग रहा है यार। वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही लाइटिंग रहती है लेकिन अभी दीपावली है तो अलग ही बात है। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं त्रिपोलिया मार्केट। भाई साहब क्या सुंदर लग रहा है, देखिए दोनों साइड दुकानें हैं जो व्यापारी मंडल है और ऊपर पूरा सजावट किया हुआ है यार, क्या ही लुक आ रहा है भाई। हो सके तो इनकी भी दिवाली जो है खूबसूरत बनवाने की कोशिश कीजिए। तो अब हम चल रहे हैं जोधपुर की सान बान सी रोड, जी हाँ यहाँ पे सारे शोरूम हैं, जितने भी मोस्टली जो शोरूम हैं इसी रोड पे हैं और खाने पीने की दुकानें हैं। ये देखिए ये हमारा फेमस जिप्सी रेस्टोरेंट है, उसके पास में जोधपुर स्वीट्स है जिसकी मिठाई बहुत ही फेमस है और बहुत सारे शोरूम हैं भाई। और अभी आप शोरूम कपड़े मिठाइयाँ ये सब छोड़िए, बस लाइटें देखिए और बताइए वो कैसी लग रही है। तो हैप्पी दीपावली आप सभी को, मार्केट में आ चुकी है रौनक क्योंकि अभी है हमारे दिवाली का त्यौहार और भाई काफी सालों के बाद अब वापस मार्केट में रौनक लौट। तो जी मार्केट में वापस दिवाली के त्यौहार पे रौनक आ रही है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक मुहिम चलाई है वोकल फॉर लोकल, जितना हो सके लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करें और हम भी वही कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसी रौनक है मार्केट में। एक्चुअली पीछे बहुत सारा जाम था तो हमने थोड़ा शॉर्टकट लेके वहाँ से आगे से निकाल दिया और यहाँ आगे भी देखिए जाम, तो मजे लीजिए आप, रोशनी देखिए और हैप्पी दिवाली सभी को। तो भाई बहुत सारे पटाखे हम लेके आ गए हैं, ऑलमोस्ट हमारा जो बिल बना था वो 40-45 हज़ार का, लेकिन हमें ये आइटम मिल गए लगभग आप बिलीव नहीं कर सकते 5 हज़ार के अंदर। ऐसे ये बड़े वाले जो बम है इसको हमारे यहाँ बोलते हैं सूतली, हम ऐसे 5 पैकेट लाए हैं, ये ऐसी जो चक्री है उसके करीबन होके 5-7 पैकेट, ये बड़े वाले इसका ही शॉर्ट जो ऊपर जाके फैलेंगे उसके होंगे 3-4 पैकेट, ये है 5 पैकेट, ये बड़ी वाली क्या बोलते हैं इसको फुल जड़ी तुरचुरी कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, ये छोटी वाली इन सब के 5-5-10-10 पैकेट, ये अनिल का ये ब्रांड है फटाकों में अनिल,
ये इनके भी ऊपर जाके ये 7 शॉट है, इनके पैकेट होंगे। ये एक अनोखा ही फटाका है भाई, ये पहले कोठा छूटता है फिर बाद में फटाका बम फूटता है इसमें। और ये रंगीन कोठे बच्चों के, और ऐसे तो करीबन 100 पैकेट लाए थे भाई, ये भी तकरीबन आधे से ज़्यादा तो बच्चों ने ख़त्म कर दी। ये बटरफ्लाई, ये सबसे डेंजर फटाका है, यूँ कहने का बहुत है लेकिन ऐसे ऐसे करके कहीं भी घुस जाता है भाई। और ये क्रेजी किट चुटपुट चुटपुट, और क्या है, बस इतना ही है। इसी में आइटम लगभग बच्चों के हिसाब से लेके आए थे। और हाँ, हिमालय के वो पाँच बड़े वाले डिब्बे उसके, अब देखिए ये सब पड़े हैं, वो उधर भरा हुआ पड़ा है वो, ठीक है। इसमें से थोड़े बहुत निकाल के ये दिखाए हैं कि हाँ आपको पता चले क्या क्या है क्या नहीं है। तो आज शाम को अब सब इसको ख़त्म कर देंगे भाई, आज और कल जो बचेंगे वो अगले साल यूज करेंगे। उससे पहले अब तैयारी चल रही है अपने पूजन की, पूजन वूजन करेंगे फिर ये पटाखे फोड़ेगा। जोधपुर स्वीट्स और जो बाकी शॉप से लेके आए थे ये तो ऐसे ही सुंदर सुंदर पैरों के साथ लक्ष्मी जी आप सभी के घर पे भी आए। लक्ष्मी जी के क्या है ये? पैर। हमारी भाषा में बोलते हैं पगलिया। ऐसे लाल लाल पैरों से लक्ष्मी जी आएंगी हमारे घर में। भाई ये बनाई हमने रंगोली, खराब मत करना उसे। तो भाई अब हम हो जाते हैं रेडी कि हमारा कुर्ता, ये हाउस ऑफ पटौदी ब्रांड का, और ये है नीचे हमारी धोती, पहन के फटाफट रेडी होते हैं फिर पूजा करते हैं। और लक्ष्मी जी की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया अब हम बना रहे माता जी के जोत, जो इस बड़े वाले दीपक में हम जलाते हैं, जो हमारी कोशिश तो रहती है पूरी रात जले, लेकिन जब तक है इच्छा तब तक वो चलेगी। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक पक्ष की अमावस्या को लक्ष्मी जी निकले थे, इसीलिए दीपावली के दिन जो अमावस्या को आती है लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, और साथ में गणेश जी और माता सरस्वती की भी। पूजा में हम 5 फल, श्रृंगार और मिठाई, लक्ष्मी जी का पूजापा होता है वो रखते हैं, और शक्कर के बने खिलौने, चपड़ा वगैरह ये सभी भी रखते हैं, और साथ में अगर घर में कुछ कैश हो तो वो भी। और ये देखिए हमारी पूजा में एक हाथी भी निकला। हाँ, जो शक्कर से बना है, तो इसको भी हम पूजा में कहीं रखते हैं। हाँ। और अब पूजा स्टार्ट कर। वैसे मैंने आज लापसी भी बनाई है अलग से, घर का प्रसाद वो भी हमने पूजा में रखा, ये रहा, रखना भी चाहिए। और साथ में कुछ आप फटाके भी रख सकते हैं, देखिए मिठाई अभी हम रख रहे हैं, और ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ पूरा परिवार एक साथ बैठ के लक्ष्मी जी की पूजा कर। ये हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध बेसन की चक्की, जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है और बहुत ही लोगों को पसंद आती है, और बहुत ही यम्मी है भाई खाने में। आप कभी अगर राजस्थान आए, स्पेशल जोधपुर आए, तो इसे जरूर टेस्ट कीजिए। दिवाली के अवसर पर तो ज्यादातर सब चक्की, ऐसा है ना, या तो लोग घर पे ही बना देते हैं चक्की, या फिर बाहर से लाते हैं। तो अब दीपक जलाते हैं और माता जी की पूजा अर्चना स्टार्ट करते हैं। आप भी जो भी मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि, पैसे, धन दौलत, जो मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं।
हम अभी कर रहे हैं दिवाली सेलिब्रेट। पता नहीं भाई ये कैसे जाएगा, उधर भी सब छूट रहे हैं, ऊपर जाएगा ये। रुको रुको, पीछे रहो पीछे रहो। वो वहां फट रहे हैं, देखो आप उनका अंदर मजे लो जब तक हमारे वाला भी चल रहा है। अब जा रहा है भाई, जा रहा है, अब जाने वाला है। चल चल चल, ले ले। रात के एक, और देखिए हमारे यहाँ पूरी अभी भी आतिशबाजी। तो आपको अगर ये छोटा सा हमारा दीपावली का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस नजारे के साथ करते हैं लाइक, शेयर जरूर करना, कमेंट।